वैसे छात्र जिन्होंने 2023 में बिहार बोर्ड में 11th क्लास में एडमिशन कराया है, जो सेशन 2023-25 के छात्र हैं, तो ऐसे बच्चों का रजिस्ट्रेशन होने वाला है। तो ये रजिस्ट्रेशन कब होगा 11th क्लास का, 2025 के वार्षिक इंटर एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कब होगा, रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, ये सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। साथ ही साथ ये रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे होगा, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, इसमें आप की क्या भूमिका होगी, आपके कॉलेज की क्या भूमिका होगी, 75% अटेंडेंस अगर ना होगा तो क्या रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें स्पष्ट होने वाली हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए रजिस्ट्रेशन जो होता है, अभी जो 2023 में जिन बच्चों ने एडमिशन कराया इंटर में 11th में, जाहिर सी बात है कि उनका 2025 में वार्षिक इंटर का एग्जाम होने वाला है। तो ऐसे बच्चे जब 11th क्लास में रहते हैं तो 11th में रहने के दौरान ही उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन का डेट अब बस आने वाला है, क्योंकि आप अगर पिछले कई वर्षों के बिहार बोर्ड के कार्य प्रणाली पर पैटर्न पर नज़र डालें तो एक चीज़ साफ दिखाई देता है कि जैसे ही स्पॉट एडमिशन का डेट खत्म होता है, स्पॉट एडमिशन का डेट खत्म होते ही 11th के रजिस्ट्रेशन का डेट तुरंत जारी हो जाता है, एक हफ्ते के अंदर जारी हो जाता है। तो अभी आप सबको पता है कि स्पॉट एडमिशन का डेट 21 अगस्त तक रखा गया है, तो 21 अगस्त के बाद अगर स्पॉट एडमिशन के डेट को ना बढ़ाया गया तो रजिस्ट्रेशन उसके एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर बिल्कुल शुरू हो जाएगा। जैसे अगर हम मान लें कि 21 अगस्त को स्पॉट एडमिशन को बंद कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया, एडमिशन की प्रक्रिया बिल्कुल रोक दी गई, तो मान के चलिए कि अगस्त लास्ट होते होते या सितंबर के बिल्कुल शुरुआत में ये 11th वालों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर 21 को खत्म हुआ डेट तब, लेकिन अगर फिर भी मान लेते हैं कि स्पॉट एडमिशन इंटर का जो हो रहा है अभी 11th में, अगर इसका डेट थोड़ा बहुत और बढ़ जाता है, एक आध हफ्ता और बढ़ जाता है, तो उसी हिसाब से रजिस्ट्रेशन का डेट भी आगे बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी सितंबर से आगे नहीं बढ़ेगा। सितंबर में तो हर हाल में 11th वालों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। अब रही बात कि ये रजिस्ट्रेशन जो है अभी 75% अटेंडेंस बनाने का, हाजिरी बनाने का नियम चल रहा है, तो इसमें क्या होगा अगर कोई बच्चा 11th क्लास में है, रजिस्ट्रेशन कराने का डेट आ गया और अगर उसका 75% अटेंडेंस नहीं होता, वो कॉलेज नहीं जाता, तो क्या उसका रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा। देखिए इस बारे में चूंकि बिहार बोर्ड ने दो बार नोटिफिकेशन जारी करके रिमाइंड कराया है बच्चों को कि भाई देखो स्कूल नहीं करोगे, अटेंडेंस नहीं बनेगा, हाजिरी नहीं बनेगी, तो हम फॉर्म नहीं भरने देंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं करने देंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरने देंगे, एग्जाम नहीं देने देंगे। ये एक बार नहीं दो दो बार बिहार बोर्ड ने कह दिया। अब रजिस्ट्रेशन के टाइम में बिहार बोर्ड जब नोटिफिकेशन जारी करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए 11th वालों का, तो उस वक्त अलग से 75% वालों के लिए कुछ निर्देश, कुछ डायरेक्शन जारी करता है या नहीं करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय मानिए कि अभी चूंकि एडमिशन हुआ ही है, अभी एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, एडमिशन के जस्ट बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इसलिए 75% अटेंडेंस का इसमें कोई टेंशन नहीं है। हाँ, एग्जामिनेशन फॉर्म जो कि 12th में रहने के दौरान अगले साल भरा जाएगा, उस दौरान हो सकता है कि 75% अटेंडेंस ना पूरा करने वालों को फॉर्म भरने ना दिया जाए, उनको एग्जाम देने ना दिया जाए, तो ये चीज़ है। अब रही बात कि ये रजिस्ट्रेशन तो जो कि सितंबर में, या तो सितंबर शुरू में या अगस्त लास्ट में शुरू हो रहा है, इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, तो देखिए एडमिशन जो बच्चे करा चुके हैं उनको पता है कि एडमिशन कराने के बाद एडमिशन का रिसिप्ट मिलता है, फी रिसिप्ट मिलता है, वही आपका एडमिशन का प्रूफ भी होता है, तो वो फी रिसिप्ट लगेगा, आपका मैट्रिक का मार्कशीट का फोटोकॉपी लगेगा, आधार और पासबुक लगेगा, फिर एक जो है फॉर्म आपको मिलेगा आपके अपने कॉलेज से जहां पे आपने एडमिशन कराया, वहां से एक फॉर्म मिलेगा, अगर प्रिंट आउट किया हुआ सब डिटेल भरे हुए फॉर्म मिलते हैं तब तो बस उसमें आपको फोटो चिपकाना है, साइन करना है, और अगर भरा हुआ फॉर्म नहीं मिलता है तो आपको भर करके फोटो चिपका करके साइन करके उसको अपने कॉलेज में निर्धारित शुल्क के साथ जमा करना होगा। इसका शुल्क जो होता है जनरली 500-600 के आसपास रहता है, हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस साल हो सकता है कि बढ़े थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी 600 के आसपास ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहने की संभावना है। ये डॉक्यूमेंट की बात हो गई, शुल्क की बात हो गई। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन का डेट जब आएगा तो आपको चूक नहीं करनी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ये 9th वाला नहीं है कि छूट गया तो अगले साल हम फिर करा लेंगे, अगर ये 11th का रजिस्ट्रेशन छूट गया ना तो फिर अगले साल आप नहीं करा पाइएगा, अगले साल फिर से वही OFSS से पहले ऑनलाइन करवाइए और उसके बाद एडमिशन करवाइए, यानी एक साल का बिल्कुल लॉस। इसलिए रजिस्ट्रेशन का डेट आते ही सारे काम छोड़कर पहले रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लेना, क्योंकि जिसका रजिस्ट्रेशन होगा उसका एग्जाम फॉर्म भराएगा, जिसका एग्जाम फॉर्म भराएगा वही एग्जाम दे पाएंगे, ये प्रक्रिया होती है बिहार बोर्ड की। तो रजिस्ट्रेशन डेट अगस्त लास्ट या सितंबर शुरू में आने जा रहा है, जिसके लिए अलग से विस्तार से वीडियो बनाकर चर्चा दी भी जाएगी और फॉर्म भरने की जानकारी भी स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के मैं खुद बताऊंगा आपको कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते कैसे हैं, वो सारे वीडियो डाले जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।